मुजफ्फरपुर जिला के एक भूमिदाता ने यह जानने की कोशिश किया कि नलजल किसको चलाना है। वो भूमिदाता भाई ने एक RTI फार्म भर करके अपने प्रखंड में पूछा BDO साहब से कि नलजल किसको चलाना है ये बताया जाए। तो RTI का जवाब आया कि नलजल मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। यह BDO साहब का जवाब था कि नलजल मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। तो BDO साहब के कार्य क्षेत्र में अगर नलजल नहीं है तो वह नलजल किनके कार्य क्षेत्र में है, इसकी जानकारी तो होना ज़रूरी है, और पानी किसको चलाना है यह लिखित भी ज़रूरी है। लेकिन जहाँ नलजल नहीं चल रहा है वहाँ प्रखंड के कोई भी अधिकारी नहीं जाते हैं पूछताछ करने कि यह नलजल क्यों नहीं चल रहा है। लेकिन जहाँ नलजल चल रहा है, चाहे भूमिदाता चला या पूर्व को वार्ड सदस्य चला या सचिव चला या अनुरक्षक चला, जो भी लोग पानी को चला रहा है वहाँ BDO साहब जरूर पहुँच जाते हैं या ब्लॉक के कोई भी अधिकारी जरूर पहुँच जाते हैं यह कहने के लिए कि आप नए वार्ड सदस्य को चाबी दे दीजिए। तो जब जहाँ चल रहा है कोई ना कोई व्यक्ति चला रहा है वहाँ नए वार्ड सदस्य को चाबी दिलवाने के लिए पहुँच जाते हैं, तो जहाँ नहीं चल रहा है वहाँ भी तो पहुँचना चाहिए कि आप नए वार्ड सदस्य को चाबी दे दीजिए। जब RTI के द्वारा मांग किया गया, एक भूमिदाता ने मांग किया कि पानी किसको चलाना है या मुझे जवाब चाहिए, तो RTI का जवाब आता है कि नल जल योजना मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है। जब आपके कार्य क्षेत्र में नल जल योजना नहीं है तो फिर किस अधिकार से आप नए वार्ड सदस्य को चाबी दिलवाने की कार्य कर रहे हैं जहां नल जल चल रहा है? और चाबी दिलवाने का मतलब विवाद खड़ा करना हो जाता है। अगर जहां नहीं नल जल चल रहा है वहां अगर आप जा करके कहते हैं कि वहाँ के नल जल अगर आप चालू करवाते हैं तो यह बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है, लेकिन जहाँ नल जल चल रहा है वहाँ जाकर कहते हैं कि चाबी नए वार्ड को दे दीजिए। नए वार्ड को जब आप चाबी दिलवाने की कार्य कर रहे हैं तो लिखित में भी जवाब देना चाहिए, लिखित देना चाहिए कि नल जल किसको चलाना है। तो चलिए हम उनसे सुनते हैं जो भाई ने RTI से मांग किया कि नल जल किसको चलाना है, उनसे क्या बातचीत हुई, सुनते हैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, हेलो, हाँ सर, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, झिंगा चौक से बोल रहे हैं सतीश जी। कह रहे हैं कि एक तो सूचना के अधिकार में डाले हुए थे इसका BDO के पास, हाँ तो BDO के पास हम डाले हुए थे कि नल जल किसको चलाना है, किसके द्वारा चलाया जाएगा, इसका हमें कोई अगर सरकार का दिशा निर्देश का कोई चिट्ठी हो तो हमें प्रस्तुत किया जाए, ठीक है। तो ये जब चिट्ठी दिए हैं उसको RTI से मांग किए हैं तो लिख के भेजा है कि ये चीज हमारे क्षेत्राधिकार में या इस कार्यालय में नहीं आता है। तो इस कार्यालय में जब नहीं आता है तो तुम्हारा क्या अधिकार था यहाँ अगर ताला जड़ने का, ठीक है। क्षेत्राधिकार में नहीं है तो अब उससे अब यह मांग करेंगे कि जब क्षेत्राधिकार में नहीं आता है तो फिर अपना अधिकार जमाने कैसे चलाए, आप वार्ड को कैसे चाबी थमा दिए। सही बात क्या, अब उसी तरह उसे मांग करके उसको सिखाना है। और लेटर है आपके पास? हाँ, वो आया है तो है। हाँ हाँ ये है, तो दीजिएगा हमको। नल जल नहीं चला रहे थे, ठीक है। नया सचिव का बहाली हुआ, चाहे नया मुखिया बना तो हम लोग कहे कि भाई यहाँ पर लाइन का अथी नहीं है, लाइन का मीटर नहीं है, हम लोग ऐसे अवैध तरीके से हम लोग नहीं चलाएंगे। तो पर भी वो ये वार्ड मेंबर को दे दिए चाबी कि हाँ ठीक है चलाइए आप। आज तक जो है कि पटना वाला टीम भी आकर के यहाँ पर हम ये थी पटना भी केस कर दिए हुए थे बिजली विभाग में। हाँ, तो पटना का टीम आकर के यहाँ लाइन काट दिया, समझे। तो भी तो वार्ड को जाना पड़ता जेल, लेकिन गांव के लोग कहा कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए सर, गलती हो गया, अब नहीं चलेगा।
तब जाकर के वो अभी अस्थिर है, नल जल अभी बंद है, समझे। ये सब वर्चस्व जमाना चाहता है। हम एक बार कहे कि भाई लाइन वाला कि भाई अवैध तरीका है, इसको लाइन को हटा दो यहाँ से, ताकि बाद में हमारे ऊपर पड़ेगा कि हाँ लाइन जोड़ा हुआ है अवैध तरीका से। तो लाइन जाके पोल से काट दिया, तो जब लाइन पोल से काट दिया, क्योंकि जब लाइन पोल से काट दिया तो नहीं जुड़वाना चाहिए इसको, है। तो फिर जो है कि 10 दिन रुक गया, और 10 दिन के बाद फिर जो है कि वो लाइन जुड़वा दिया, उसमें चलाने लगा। उसी पर हम ऑनलाइन कंप्लेन दर्ज कर दिए कि भाई यहाँ पर अवैध तरीके से बिजली चोरी करके नल जल चलाया जा रहा है। तो पटना का डायरेक्टर टीम आया था यहाँ पर, पटना का डायरेक्टर टीम आया है यहाँ, और छापा मारा तो पकड़ा गया, रंगे हाथे पकड़ा गया। तो सरकार बिजली बिल का पैसा देगा नहीं? हाँ, गांव वाला आपको पानी दिया जाएगा तो गांव वाला पैसा देगा नहीं, तब और पानी नहीं चलेगा तो FIR करेगा। तब तो सबसे पहले अधिकारी लोगों को जो है बिजली बिल को बारे में जो समस्या है वो समस्या का समाधान करना चाहिए। तो 24,000 रुपया जो आया है 2021 में मानदेय के लिए, और 24,000 रुपया रिपेयरिंग के लिए आया है, और 2021 में ही आया है, वो पैसा अभी मुजफ्फरपुर जिला में चाहे बाकी भी जिला में अभी तक नहीं दिया गया। मोतिहारी जिला में कुछ जगह दिया गया है, तो दिया गया है, तो बिजली वाला समस्या समाधान क्यों नहीं हो रहा है? वस्तु समस्या समाधान होना चाहिए कि बिजली बिल को कौन भरेगा? तो बिजली बिल की समस्या समाधान करेंगे नहीं, और FIR करेंगे, नहीं तो चाबी छीनेंगे। तब ये कौन तरीका है? आप पूछने पर बोले क्षेत्राधिकार से बाहर है, जब क्षेत्राधिकार से जब बाहर है तो इस पर आए क्यों आप? नहीं आना चाहिए। तब कुछ भी पूछने पर बोले हमारा क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो क्षेत्राधिकार से बाहर है आपको कौन दिया? ये हुकूमत आपका है चला रहे हैं इस पर, बताइए। चाबी के चलते तो मेरे ऊपर FIR कर दिया गया। तब पूछने पर बोलू हमारा क्षेत्राधिकार से बाहर है, तो क्षेत्राधिकार से बाहर है तो फिर आपने ऐसा किया क्यों? क्षेत्र का क्षेत्राधिकार में है भी नहीं, और ऊपर से जबरदस्ती भी करेंगे तब